नमस्कार। प्रभु की कृपा से आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आशा और मेरे चैनल आशा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे कद्दू की सब्जी। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए, ई, सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और भी बहुत कुछ। अब कद्दू जिनको पसंद होता है उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और जिनको नहीं पसंद वे बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते। लेकिन आप से आज मैं जो सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो देखने में इतनी लाजवाब लगेगी कि जिनको कद्दू नहीं भी पसंद है वो भी खाना पसंद करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने छोटे छोटे पीसीस में काट लिए। सिल्की स्मिथ, सिल्का साथ ही होना चाहिए तभी अच्छा लगता है ये। तो बाकी मैं मसाले बताती हूँ। मैंने मसाले लिए हैं जीरा, हींग, धनिया, साबुत धनिया जो होता है वो, सरसों के दाने, कलौंची जो प्याज के सीड्स होते हैं वो है, और थोड़े से मेथी दाने हैं, और सौंफ लिए मैंने। जे हमने जे खड़े जो मसाले हैं जे लिए हैं। और एक इसमें हम डालेंगे बे लीव्स, एक इसमें डालेंगे बे लीव्स। ये आ गया। अब हम एक कटोरी लेंगे, उसके बीच हम डाल लेंगे 1 चम्मच भर के किचन किंग मसाला, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको फूलने के लिए रख देंगे, मिक्स कर देते हैं इसको। जो हमने ऐसे घोल दिया अच्छी तरह से। एक बड़ा टमाटर को मैंने इसको ग्राइंडर में डाल के इसको पीस लिया है। इसकी प्यूरी ले ली है मैंने एक टमाटर की, और 2 मैंने हरी मिर्च ली। जो हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब हम बनाते हैं सब्जी को। सरसों का ऑयल हमने ले लिया है, और जो हमारा गर्म हो गया सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मेथी दाना। उसके बाद हम सारे मसाले इसमें डालेंगे, थोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं। अब हम डालते हैं इसमें बाकी सारे मसाले, चीज़ें सारे डाल लेते हैं इसमें। ये सारा क्रैक हो गया। अब हम इसी के बीच में ये जो हमने गोल बनाया था ये भी डाल लेते हैं। मसाले हमारे पक रहे हैं। इसी के साथ में थोड़ा सा हम ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल लेते हैं, ये भी साथ में पकते हैं। अब हमने जो सब्जी काट के रखी थी इसको डाल लेते हैं इसके बीच में। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं, इसकी अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए इसके ऊपर, मसाले की सभी के ऊपर। हरी मिर्च जो हमने काट के रखी थी ना मोटी मोटी, उसको भी डाल लेते हैं। और ये नमक आ गया, सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। को ढक्कन लगा के पकने देते हैं इसको। इसको हम मीडियम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे, बिना कोई पानी वगैरह कुछ नहीं डालना, ऐसे ही इसको पकने देना ऑयल में ही। सब्जी को देख लेते हैं मैंने, अब हम चेक करते हैं इसको। एक पीस लेके इसको ऐसे ऐसे करके ये हमारा आराम से हमारा ये सब्जी हमारी थोड़ी साफ हो गई है। इसमें हम जो टमाटर की प्यूरी हमने रखी है ये डाल लेते हैं इसके बीच में।
अब थोड़ा सा हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि हमारे जो सब्जी है वो ज़्यादा गल ना जाए। थोड़ी सी हाई फ्लेम करके इसको हम पका लेते हैं, चेक कर लेते हैं दोबारा सब्जी। हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। इस सब्जी को हम फास्ट व्रत में भी खा सकते हैं क्योंकि हमने इस सब्जी को बिना लहसुन प्याज के बनाया है, और जो मसाले व्रत में नहीं खाए जाते उसे हम स्किप भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हम जो भी नवरात्रि के व्रत हो गए, जहाँ जन्माष्टमी वगैरह हुए, उसमें हम इस सब्जी को भी बना के खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। ईश्वर की कृपा हमेशा सब पर बनी रहे।